महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या महा मेट्रो पुणे में एक मेट्रो सिस्टम डेवलप कर रही है और इस सिस्टम में 3 लाइंस हैं जिनकी कुल मिलाकर लंबाई 54.14 किलोमीटर की होगी। इसमें से फिलहाल अब तक 2 लाइंस पर 21.57 किलोमीटर के लेंथ तक सर्विस ऑपरेशनल हो गई है, यानी यहाँ पर ट्रेन पैसेंजर्स को सर्विस दे रही है। पुणे मेट्रो महाराष्ट्र की तीसरी और सबसे नई मेट्रो सिस्टम है जो पिछले साल 2022 में ही ऑपरेशनल हुई है। अभी सिर्फ फेज 1 में बने 2 लाइंस के कुछ सेक्शंस ही ओपन हुए हैं, पर यहाँ लाइन 3 बननी है, जहाँ प्रोजेक्ट को आने वाले सालों में और एक्सपांड करने के लिए भी प्रपोजल्स दे दिए गए। इस मेट्रो सिस्टम में मेड इन इंडिया टीटागढ़ फीहामा के एल्यूमिनियम बॉडी रोलिंग स्टॉक्स का इस्तेमाल किया गया है और ये मेट्रो सिस्टम देश के उन कुछ मेट्रो सिस्टम्स में से है जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है। और पुणे मेट्रो बहुत तेज गति से ग्रो हो रही है पॉपुलेशन को एक मास रैपिड ट्रांजिट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आज पुणे में ना सिर्फ IT बट ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी है, लेकिन 30-40 साल पहले तक महाराष्ट्र सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा ग्रोथ इस शहर के अंदर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने मेजोरिटी ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ही किया, पर 1990s में यहाँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होने लगती है और उस वक्त IT बूम भी आ जाता है यहाँ पर, जहाँ मुंबई के एक्सपेंसिव लैंड की जगह कंपनीज उसी के पास में पुणे शहर के अंदर सेट होने के बारे में सोचती है। पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी वजह से वेल एजुकेटेड टैलेंटेड वर्कफोर्स भी यहाँ पर थी कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वजह से, और पुणे के इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए इसके कारण बहुत मदद मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी गति से आगे नहीं बढ़ पाता। अप्रैल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या है कुल 3.62 मिलियन, यानी 36 लाख से ज्यादा, जो शहर की जनसंख्या को भी पार कर चुकी है। इस प्रकार की अधिक ट्रैफिक डेंसिटी ने पुणे शहर के परिवहन प्रणाली को गंभीर दबाव में डाल दिया है, जिससे यात्रा के समय प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है। ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन साथ साथ इनडिसिप्लिन का भी। ट्रैफिक कंजेशन का ये जो प्रॉब्लम है पुणे कई साल पहले देखने लगी थी और इसीलिए साल 2008 में DMRC या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पुणे मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए एक DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट किया था, पर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये डिले कर दिया और यूनियन गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो जल्दी सबमिट नहीं हो पाया। हालांकि साल 2012 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल तो दे दिया, पर इसको फाइनल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला साल 2016 में, जिसके कारण इसका फाउंडेशन स्टोन भी अभी जो हमारे करंट PM है उनके द्वारा ही लीक किया गया था। पिछले साल मार्च 6, 2022 को प्रोजेक्ट के फेज 1 में आने वाले 2 लाइंस को इनॉग्रेट किया गया था, जहां ये दोनों लाइंस कई सेक्शंस के अंतर ओपन की गई। फेज 1 में 2 लाइन बन रही है जो कि पर्पल और एक्वा लाइन के नाम से जानी जा रही है। ये दोनों लाइंस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। 16.9 किलोमीटर की पर्पल लाइन पिंपरी के PCMC भवन से स्वारगेट तक प्लान की गई है, जिसमें से PCMC से फुगेवाड़ी वाला सेक्शन एलिवेटेड है, फिर फुगेवाड़ी से लेके रेंज हिल तक का जो सेक्शन है वो भी एलिवेटेड है और इसे साल 2023 के अगस्त महीने में इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। इसके आगे रेंज हिल से लेके सिविल कोर्ट तक का जो स्ट्रेच इस लाइन का है वो अंडरग्राउंड है, इसे भी इस साल अगस्त 2023 को ही ओपन कर दिया गया है और आगे बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्शन जो कि सिविल कोर्ट से स्वारगेट तक ओपन होगा और ये सेक्शन भी अंडरग्राउंड है। इसके अलावा 14.66 किलोमीटर की एक्वा लाइन वानस से लेके रामवाड़ी तक जाएगी, जहां वानस से गावरी कॉलेज के सेक्शन को एलिवेटेड गया है और ये सेक्शन भी रिसेंटली ओपन हुआ है और गावरी कॉलेज से रूबी क्लिनिक वाला स्ट्रेच भी एलिवेटेड है। इसको आगे रूबी क्लिनिक से रामवाड़ी तक स्ट्रेच में भी एलिवेटेड बनाया जाएगा और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर्पल लाइन के 5.09 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सेक्शन को एग्रीकल्चर कॉलेज से स्वागेट तक 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, जो की है एक एग्रीकल्चर कॉलेज से लेके बुधवार पेट और सेकेंड बुधवार पेट से लेके स्वारगेट। महा मेट्रो इन दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग टेंडर्स इनवाइट कर चुकी है, जिसमें स्टेशन और जुड़े हुए जो टनल्स है इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट के लोअर बिडर जो करेंटली है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स गुलेरमा का एक जॉइंट वेंचर। स्वारगेट में स्थित अंडरग्राउंड स्टेशन एक ऐसा मल्टी मोडल ट्रांजिट हब का हिस्सा होगा, जहाँ पर PMPML और MSRCTC के द्वारा चलाई जाने वाली जो इंट्रा और इंटरसिटी बस सर्विसेज है, ऑटो रिक्शाज है, प्राइवेट व्हीकल्स है और दूसरी कई आप कहे तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं, उनको एकत्रित करने का ये एक हब बनेगा। यहाँ पर पार्किंग सुविधा भी होगी और इस प्रोजेक्ट को महा मेट्रो PPP या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेसिस पे बना रही है 1600 करोड़ रुपए की लागत में। और यहाँ पुणे में यूज की जा रही है माई कार्ड, जो बेसिकली कॉमन मोबिलिटी के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, एक NCMC कार्ड की तरह होगा, जहाँ पर अब इस कार्ड का इस्तेमाल पुणे के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट मीडियम्स के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। महा मेट्रो की लाइन की लागत 11,552 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है।
2014 के अनुमान से ये वैसे 653 करोड़ रुपए ज्यादा है और इस खर्च में टीएमसी और पीसीएमसी 5% का हिस्सा साझा करेगी, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार 20% का यहाँ पे हिस्सा साझा करेगी ईच और बाकी 50% लोन के रूप में प्राप्त किया जाएगा। राज्य सरकार को 20% हिस्सा भी भावी कीमत पर लैंड एक्विजिशन के एक्सपेंसेस को शामिल करके यहाँ पे मिलता है, जिनमें सरकारी जमीन भी शामिल है। तो ये फाइनेंसिंग जरा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद की लैंड यहाँ पर जब यूज कर रही है तब उसके खर्चे का भी पैसा लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का फेज वन मोस्टली पुणे सिटी को कवर करता है, पर पुणे का असली आईटी हब जो पिंपरी चिंचवड़ में है, यहाँ पर कई सारे जो बड़े आईटी कंपनीज मौजूद है, यहाँ पर अब तक लाइन खुली नहीं है। पर्पल लाइन भले ही पीसीएमसी भवन तक जाती है, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाती है, पर पिंपरी चिंचवड़ एक ऐसा रीजन है जिसका रियल एस्टेट प्राइसेस इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बेहतर इंफ्रा की जरूरत है। आईटी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज पुणे को अपना घर बना रहे हैं और इसलिए रेसिडेंशियल कॉर्पोरेट दोनों ही इंफ्रा सेक्टर्स में एक बड़ा बूम आया है। पुणे मेट्रो की अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन 3 यहाँ भी कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, लेकिन लाइन 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सिविल कोड पुणे से मेगापोलिस पुणे हिंजवाड़ी तक चलेगी। इस 23.3 किलोमीटर लंबी लाइन का पूरा एलिवेटेड सेक्शन बनाया जाएगा और इसमें 23 स्टेशन होंगे। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा, जहाँ पे हिंजवाड़ी बालेवाड़ी के बीच में का एक सेक्शन होगा जिसे पहले शुरू किया जाएगा और उसके बाद में बालेवाड़ी और सिविल कोर्ट शिवाजी नगर के बीच का एक नया सेक्शन बनाया जाएगा जो कि बाद में शुरू होगा। इस लाइन की लागत लगभग 8,313 करोड़ रुपीज है, पर इसका निर्माण TMRDA या पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है PPP के जरिए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। इसका स्ट्रक्चर जो मैंने पहली लाइन बताई उससे अलग है। प्राइवेट पार्टनर 60% फंड्स लाएंगे, जिसमें 30% इक्विटी 70% डेट शामिल होगा, जबकि बाकी 40% साथ में केंद्र, राज्य और PMRDA की गवर्नमेंट्स देंगी। केंद्र ने पहले से 1300 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग यहाँ पर मान ली है, एक्सेप्ट कर लिया कि पुणे को वो दे देंगे, जबकि राज्य ने 812 करोड़ रुपीज प्रदान किए हैं PMRDA को बाकी रकम सफाइस करने के लिए। यहाँ प्राइवेट पार्टनर लाइन का निर्माण, ऑपरेशन, मेंटेनेंस 35 साल तक करेंगे। इन तीनों लाइन्स के लिए सिविल कोर्ट स्टेशन इंटरचेंज का काम करेगा। पुणे मेट्रो फेज 2 का DPR अभी तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन इसमें नए कॉरिडोर और मौजूदा मेट्रो लाइन्स को कातरज, चांदनी चौक, खराड़ी, हड़पसर, लोनी कलबोर, खड़कवासला, वारजे तक बढ़ाने की भी उम्मीद रखी गई है, लेकिन इसके बारे में फ्यूचर में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि पुणे सिर्फ 90s में आई हुई रैपिड ग्रोथ के कारण आगे बढ़ पाई है। पुणे 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, इवन ब्रिटिश राज में भी एक इम्पोर्टेंट शहर था। पुणे उस जमाने से सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होस्ट करने वाला शहरों में से एक है। साल 1950 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पुणे के बसे इन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देखकर पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का नाम देते हैं। पर हमेशा से एजुकेटेड इंडिविजुअल्स का गढ़ ये जो माना गया है, यहाँ पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और पुणे के अंदर ट्रैफिक, स्पेसिफिकली टू व्हीलर के हिसाब से ट्रैफिक देश के अंदर का वन ऑफ द वर्स्ट है, और ये जो एजुकेटेड युवा है ये बड़े कंपनीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बने। अब ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने ग्रोथ के अंदर साथ साथ मैच होने वाला इंफ्रा बनाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत में कोंकण रेलवे के द्वारा विकसित एक प्रोटोटाइप रेलवे सिस्टम है जो कि स्काईबस मेट्रो के नाम से जाना जाता था। इनफैक्ट इसका एक छोटा सा रेक बना था गोवा के मड़गांव के अंदर भी, और ये ट्रेन चलती थी, और मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है कि ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ है। लेकिन ये जो प्रोटोटाइप रेलवे सिस्टम था उसे स्वारगेट से पुणे रेलवे स्टेशन के बीच में 7.5 किलोमीटर के एक रूट में बनाने पर विचार रखा गया था, पर साल 2004 में गोवा के अंदर बने हुए स्काईबस में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद में उस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया और पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से भी स्कैप कर दिया। बाद में पुणे में बस BRT या बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस चलती थी और ये भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई। रिसेंटली इनफैक्ट इनके लेन्स को हटाने का भी काम शुरू हो गया है, और इसीलिए पुणे जैसे शहर को देश के कई दूसरे शहर के कंपैरिजन में मेट्रो की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखे तो इनएफिशिएंट और कम संख्या की अगर सिटी बसेस को छोड़ दे तो पुणे में कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड प्रॉपर पब्लिक ट्रांजिट है ही नहीं, और ये एक काफी ज्यादा हाई इनकम वाला रीजन होने की वजह से गाड़ियां यहाँ पर अंधाधुंध स्पीड से बिक रही है, और जैसे मैंने कहा यहाँ पर लोगों से ज्यादा गाड़ियां आज के देश में चलती है जो ज्यादातर शहरों के लिए केसेस नहीं है। फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी ये भी है कि कोई RRTS सिस्टम जैसा कोई एक नया रेल नेटवर्क बनेगा जो मुंबई पुणे के मेट्रो नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर देगा कई हब्स के जरिए, तो ये चीज भी फ्यूचर में मेट्रो सिस्टम को महत्वपूर्ण बनाती है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको फ्यूचर में और चीजें क्या देखनी है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।